हेलो फ्रेंड, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ, पीजीटी, पीएचटी, इंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। ओके, और यहाँ पर जो है हम डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास जो है कम्प्लीट करा रहे हैं, जिसके ये क्लास है आपके निर्गुण भक्ति काव्य की। ओके, तो हम आज की क्लास में निर्गुण भक्ति काव्य को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास कोई भी सिलेबस नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है, तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर क्वेश्चन और सब सारे जो नोट्स हैं आपके, सारी जो यूनिट लगी हुई हैं, 10 इकाई लगी हुई हैं, उनका पूरा मटेरियल आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स में। ओके, तो अगर आप लेना चाहें तो आपको यहाँ पे क्लास जो है स्टार्टिंग में ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप जो है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस। और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी फर्स्ट पेपर की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो आप जो है उनको भी देख सकते हैं। ओके, और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखेंगे आज की क्लास में निर्गुण भक्ति का स्वरूप। बट उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में जो है अपना मत भी प्रेषित कर दीजिएगा, जिससे हमें आपके विचार पता चल सके। ओके, तो चलते हैं, देखेंगे निर्गुण भक्ति का स्वरूप। निर्गुण भक्ति का स्वरूप जो है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो रूप हैं, जो विरोधी न होकर परस्पर संबद्ध है। ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले आचार्यों ने भी ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। बिना अनुभूति का ज्ञान मात्र वाक्य ज्ञान है, जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। भक्ति को मिथ्या माया मानने वाले तथा ज्ञान मार्ग को ही एकमात्र सच्ची साधना के रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य शंकर ने भी ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। अहम ब्रह्मास्मि किसने दिया है? शंकराचार्य ने दिया। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ का ज्ञान मात्र तो निष्फल ही रहता है। सिद्धि तो तब होती है जब यह ज्ञान अनुभव में पर्याप्त वर्षित हो जाता है। अनुभवा वशानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य। आचार्य शंकर का यह स्पष्ट मत है कि जब तक ज्ञान का अनुभव में अवसान नहीं होता, तब तक वह निस्सार है। ज्ञान मार्ग में अनुभूति की इस स्वीकृति के आलोक में निर्गुण भक्ति के स्वरूप पर विचार किया जाए तो उसका संतुलित विवेचन और मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। अवतारवाद को स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप सगुण भक्ति को एक साकार आलंबन मिल जाता है, जिसके कारण उसे सामान्य अशिक्षित व्यक्ति भी सहज ही स्वीकार कर सकता है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार है। जैसे कबीर ने जो लिखा है उसे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। फलस्वरूप वह जनसाधारण के लिए गाय नहीं हो सकती। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इसी आधार पर निर्गुण भक्ति की सत्ता या महत्व के विषय में संदेह नहीं किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि सगुण भक्ति पर आस्था रखने वाले साधकों ने निर्गुण भक्ति को लेकर तरह तरह की शंकाएँ उठाई हैं। उनका मूल तर्क यह है कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का विषय तो हो सकता है, किंतु भक्ति का नहीं, क्योंकि भक्ति तो किसी प्रकार किसी साकार मोत और विशिष्ट के प्रति ही उन्मुख हो सकती है। सामान्य जनता का विश्वास और आचरण भी इसी तर्क की पुष्टि करता दिखाई देता है। मित्रों, मैं इस तरीके से आपको क्यों बताती जाती हूँ, लेकिन जो चीज़ें अंडरलाइन करने वाली हैं मैं वो अंडरलाइन भी करती जाती हूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये थ्योरी जो है आपके लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि ये इस थ्योरी में जो है बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ओके, तो मैं बीच बीच में जो अंडरलाइन करती जाती हूँ उन पर आपको भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आज तक की सभी क्लासेस में मैं अंडरलाइन करती आई हूँ। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो देखते हैं, प्रश्न यह है कि यदि स्नेहपूर्वक ध्यान ही भक्ति है, तो फिर निर्गुण की भक्ति या स्नेहपूर्वक ध्यान क्यों नहीं किया जा सकता है? सामान्य रूप से यह माना जाता है कि निर्गुण ब्रह्म का संबंध ज्ञान मार्ग के साथ है और सगुण ब्रह्म का भक्ति के साथ। इसलिए जब कभी कोई निर्गुण ब्रह्म की बात करता है तो श्रोता का ध्यान नैसर्गिक रूप से ज्ञान मार्ग की ओर जाता है, भक्ति मार्ग की ओर नहीं।
और इसी प्रकार सगुण ब्रह्म का उल्लेख करते ही भक्ति मार्ग अपनी समग्र पूजा विधि के साथ उपस्थित हो जाता है। इसका एक परिणाम यह हुआ कि भक्ति और पूजा यह अर्चना में अभेद माना जाने लगा। मंदिरों में जाना, भगवान पर दीप अर्घ्य आदि चढ़ाना, मूर्ति की सेवा करना, उसकी आरती आदि उतारना भक्ति के अभिन्न अंग माने जाते हैं। लेकिन जो निर्गुण पंथी हैं वो इन चीज़ों का विरोध करते हैं। ठीक है, तो आप जो कबीर और तुलसी में यही अंतर है, तुलसी जो है अवतारवाद को मानते हैं लेकिन कबीर नहीं मानते हैं। तुलसी ने राम जो है उनका वर्णन किया है, कबीर ने निर्गुण का जो है वर्णन किया है। उदाहरण में देखिए, ऐसी आरत त्रिभुवन तारे, तेज पुंज तहाँ प्राण उतारे, पाती पंज पुहप कर पूजा, देव निरंजन और नदूजा, तन मन से समर्पण कीना, प्रकट योध तहाँ आत्म लीना, दीपक ज्ञान सवद धुनि घंटा, परम पुरख तहाँ देव अनंता, परम प्रकाश सकल उजियारा, कहे कबीर मैं दास तुम्हारा, ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, हरन दुख दंद गोविंद आनंद घन, अचरचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत, इति वासना धूप दीजे, दीप निज बोधगत गोह मद मोहतम, प्रौण अभिमान चित्त व्रत चीजे, भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य सुप, श्री रमन परम संतोषकारी, प्रेम तांबुल गतसूल संशय सकल, विपुल भव वासना बीज हारी। तो ये पंक्ति जो है आप जो है इसे देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, तो इस तरीके से बीच बीच में जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो जो महत्वपूर्ण है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए, ऊपर के दोनों उदाहरणों में भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही प्रधान रूप में चित्रित किया गया है। सच्ची भक्ति का संबंध हृदय से है, बाहरी पूजा विधान से नहीं है। यह बात पांडित्य और शास्त्राभ्यास से रहित कबीरदास के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता भक्त तुलसीदास के लिए है। दोनों ने ही आराध्य देव के उन गुणों तेज पुंज निरंजन परम पुरख अचरचर रूप सर्वगत सर्वदावसत आदि का उल्लेख किया है जो निर्गुण की व्याख्या में दिए गए हैं। कबीरदास ने दीपक ज्ञान का उल्लेख किया है जो तुलसीदास ने भगत वैराग्य विज्ञान दीपावली का उल्लेख किया है। उक्त उदाहरणों में निर्गुण राम जपहु रे भाई कहने वाले कबीरदास में और दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र के उपासक तुलसीदास में अद्भुत समानता पाई जाती है। चाहे दशरथ सुत आराध्य हों और चाहे राम नाम का मर्म हो जाना, दोनों ही स्थितियों में भक्ति की अनुभूति में बुनियादी समानता पाई जाती है। यदि ब्रह्म के साकार और निराकार रूपों में ही गुणों की समानता और भक्ति पद्धति में समान गुणों की स्वीकृति भी हो जाती है तो निर्गुण की भक्ति को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको नोट करना चाहिए, ये दोहावली से पंक्ति दी गई है। हे निर्गुण नयनन सगुण रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट रसत तुलसी ललित ललाम। तो ये पंक्ति जो है दी गई है आपकी दोहावली में तुलसीदास जी की। ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, इसका कारण स्पष्ट है। यहाँ आराध्य गोचर राम ही नहीं है, भक्त के लिए आवश्यक है कि वह अवतार रूपक राम के उन गुणों का भी ध्यान रखे जो उनके सहज और नैसर्गिक गुण हैं। आगे आइए, विनय पत्रिका में देखिए कौन सी पंक्ति दी गई है। विनय पत्रिका में ब्रह्म व्यापक अकल सकल परमहित ज्ञान गौतित गुण वृत्तिहर्ता सिंधु सुत गर्व गिर वज्र गौरिस भव दक्ष मख अखिल विध्वस्त करता, दुष्ट विवधार संघात अपहरण महिभार अवतार कारण अनुपम अमल अनवध्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमरन नरभूप रूपम। तो ये पंक्ति जो है आपकी विनय पत्रिका में दी गई है। ओके, व्यापक अकल सकल ज्ञान गौतित अद्वैत निर्गुण आदि विशेषणों के प्रयोग से तुलसीदास ब्रह्म के दशरथ पुत्र राम के उन गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये पंक्तियाँ जो हैं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे पंक्ति देखिए, यहाँ पे निर्गुण राम जपहु रे भाई, तो ये किसने की है? ये दिए हैं आपके कबीर जी ने। ठीक है, आगे देखिए, ये यहाँ पे आकर आप इसे छोड़ सकते हैं। अब आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है। निर्गुण भक्ति की मान्यता के बारे में जो संदेह व्यक्त किया जाता है उसका प्रधान कारण है मध्यकालीन साधना का एकांगी या एक पक्षी विवेचन। प्रयास साधन के विविध मार्गों या रूपों जैसे निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग जो है एकांकी एक पक्षी विवेचन प्रयास साधना के विविध मार्गों या रूपों जैसे निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग
ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति और रहस्यवाद आदि का विवेचन करते हुए यह सहज ही स्वीकार कर लिया जाता है। ये मार्ग या रूप परस्पर भिन्न और विरोधी हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आप जरूर देख लीजिएगा। आप आगे देखिए, आगे देखेंगे हम यहाँ पे शंकराचार्य के बारे में देख लेते हैं, शंकराचार्य जी ने क्या मत दिया है। यहाँ देखेंगे हम, ये है आपका निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान साधना को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनके मतानुसार सगुण अर्थात ईश्वर और भक्ति दोनों ही माया के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने भक्ति को विद्या माया मानकर उसके आंशिक महत्व को तो स्वीकार किया है, किंतु सगुण भक्ति की यह स्वीकृति परम सत्य नहीं है। और स्पष्ट ही जो साधक परम सत्य निर्गुण अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति करना चाहता है उसे भक्ति को अस्वीकार करना होगा। शंकराचार्य के विरोध में आचार्य रामानुज, आचार्य बल्लभाचार्य आदि ने प्रस्थान त्रय की गंभीर व्याख्याएं करते हुए भक्ति को ही परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इन वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए सगुण रूपों रामकृष्ण आदि को भी प्रतिष्ठा दी है। शंकराचार्य और इन वैष्णव आचार्यों की इस परस्पर विरोधी दृष्टि और सत्य संबंधी मान्यता का प्रभाव यह हुआ कि ब्रह्म के निर्गुण रूप और सगुण रूप में विरोध माना जाने लगा है। तो ये चीज़ें हैं सगुण और निर्गुण में जो विरोध चला है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञान मार्ग को आचार्य शंकर जैसे मेधावी आचार्यों ने प्रतिष्ठित किया और उनका आरंभिक रूप उपनिषदों में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे एक तथ्य है, यह आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त हो सकती है, ना शुद्ध बुद्धि से और ना विशेष श्रवण से। जिसको यह वर्ण करता है उसी को यह प्राप्त हो सकता है और उसी के प्रति यह अपने आप को व्यक्त करता है। बल्लभाचार्य की पुष्ट मार्गीय सगुण भक्ति का बीज भी निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने वाला यह श्लोक है। जो श्लोक दिया गया है उसका उसकी व्याख्या की गई है। और यहाँ देखिए, ये यहाँ पे दिया गया है, इसको निर्गुण भक्ति एवं सगुण भक्ति के आलंबन के स्वरूप में स्थूल अंतर तो यह है कि निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है, किंतु यह साकार एवं गोचर आलंबन अपने आकार के अतिरिक्त अन्य गुणों में निराकार में समानता रखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ फिर देखिए, ज्ञान मार्ग और सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति में तो रहस्यवाद आपको देखने को मिलेगा, उधर सिद्धों में देखने को मिलेगा, नाथों में देखने को मिलेगा, फिर आप छायावाद में आएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए, विनय पत्रिका में ही ये पंक्ति दी गई है, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी। तो ये पंक्ति है, आगे आप देख सकते हैं, लाभ कहाँ मानस तन पाए, ये भी जो है आपकी विनय पत्रिका में है, तो ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। आगे देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कबीरदास के पद में निर्गुण ब्रह्म के लिए कृपालु भक्त वक्षल भवार या शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये उनके तद्भव रूप हैं जो यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, भक्ति काल में निर्गुण को आराध्य मानकर चलने वाली एक और साधना पद्धति भी दिखाई देती है और वह है सूफियों की प्रेम पद्धति। इसकी अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है और इसलिए इसे स्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं रही है। इस बात को लेकर तो जरूर विवाद है कि रहस्यवाद भारतीय मत है या भारत में उसका प्रादुर्भाव जायसी जैसे मुसलमान रहस्यवादी कवियों की रचनाओं से हुआ है। सूफी काव्य में रहस्यवाद है ही, आप देख सकते हैं, और रहस्यवाद भी निर्गुण भक्ति का या ब्रह्म पर ही आश्रित है। फिर आप देखेंगे आगे यहाँ पे, तुलहीन गावो मंगलाचार, तो ये तो आपके तुलसीदास जी की जो हैं पंक्तियाँ, कबीर के रहस्य अनुभूत को एक सामान्य दुलहीन के माध्यम से जो है तुलसीदास कबीरदास जी ने ही कही है ये पंक्ति। सूफी साधना को देखेंगे, सूफी साधना पद्धति में भी गुरु का वही महत्व है जो साधना की अन्य पद्धतियों में है। साधना का मूल रूप भी वैसा ही है, सांसारिक प्रपंच से ऊपर उठकर अलौकिक सत्ता की प्राप्ति के लिए साधना करना। ओके, तो ये चीज़ें थी, आपको नोट कर लेनी चाहिए। फिर मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए, पद्मावत में जायसी ने हीरा मन जो है तोते के रूप में गुरु का संकेत दिया है, यहाँ भी रहस्य है। रत्नसेन द्वारा राज्य पत्नी आदि का त्याग संसार में विरक्ति का सूचक है और पद्मावती के रूप वर्णन में व्यापक और विराट परम शक्ति का संकेत मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रहस्यमयी ही हैं। हिंदी में तसब्बुब से प्रभावित प्रमाख्यानों की परंपरा दिखाई देती है, किंतु परवर्ती उर्दू शायरों में जहाँ रहस्यवाद है इसके हकीकी को गज़ल में पेश किया गया है। तो ये भी आपके नोट करने वाली चीज़ है।
ज्ञान मार्ग की निर्गुण भक्ति की अपेक्षा रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अधिक स्थूल है, क्योंकि वह स्थूल गोचर विशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से हुई है। ये भी आपके नोट करने वाली है। कबीर आदि संत कवियों और जायसी आदि सूफी कवियों को निर्गुण भक्ति धारा में स्वीकृत किया जाना चाहिए, और इनका कारण है, पहला कारण है इष्ट देव की अगोचर अक्षर और सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में स्वीकृति, जैसे अखरावट लिखा है जायसी ने, और दूसरा कारण है इष्ट देव के किसी गोचर विशिष्ट और अक्षर रूप की स्वीकृति का अभाव। निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी पद्धति की सीमा भी वही है जो ज्ञान मार्ग की है। निर्गुण को ही आराध्य के रूप में स्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि साधना की इन दोनों पद्धतियों की स्वीकृति सीमित क्षेत्र के भीतर ही रही। जब सगुण भक्ति या प्रेम को आलंबन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, तो फिर निर्गुण की ओर आकर्षित होने की संभावना अत्यंत सीमित हो जाती है। जब अगर आलंबन रूप में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति और रहस्यवादी प्रेम पद्धति में साधना के विशिष्ट रूप हैं। ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने भक्ति काल में जो निर्गुण का जो है उसके बारे में कुछ तथ्य जाने हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे फ्रेंड, उसमें हम निर्गुण भक्ति के जो रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, और इसके जो फैक्ट थे उनमें जो हमने अंडरलाइन की है वो आप ज़रूर नोट करेंगे, उन पर विशेष ध्यान देंगे। ओके, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी और आप कौन से फैक्ट ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। एक बार बता दूं फिर से, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो उसे भी इतने ही इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके फ्रेंड, और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एंड करेंगे इस क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ये भी बता दिया। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।